सो गाइस कई बार पेरेंट्स की शिकायत रहती है उनके बच्चों को जो है वेट अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है यानी बच्चे मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा सुखड़े हैं दुबले पतले हैं और खाना भी अच्छे से वो नहीं खा पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए जिनसे उनका वेट भी मैनेज हो और बच्चा खाना भी अच्छे से खा सके सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा आज की इस वीडियो में आपको यही एक सिरप के बारे में बताने वाला हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टली काम करता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके फ्लाहस तक वीडियो को देखते रहिए गाइज मेरा नाम है अंकुश आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल गाइज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं साइपोन सिरप जो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा आपको ये बेसिकली ड्रॉप के रूप में भी मिल जाएगा एंड टैबलेट के फॉर्म में मिल जाता है लेकिन बच्चों के लिए सिरप एंड ड्रॉप दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं अब इसमें ऐसा क्या होता है खास वो हम आगे बात करेंगे सबसे सब पहले हम कारण को समझ लेते हैं देखिए अगर हम एडल्ट के कारण के बारे में बात करें तो एल्कोहन होना कब्ज होना कॉन्स्टिपेशन होना जैसे कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जब आपका पेट सही से नहीं हो पाएगा तो आपकी भूख भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही बच्चों में होता है बच्चा जब बाहर से कुरकुरे चिप्स वगैरह जंक फूड खाना शुरू कर देता है तो ऐसे में क्या होता है उनकी भूख वगैरह बिल्कुल भी तो, तो बंद हो ही जाती है क्योंकि उनको उन्होंने वही कंज्यूम कर लिया जिससे अब कुरकुरे चिप्स आप जितना ज़्यादा बच्चों को खिलाओगे उनसे तो भूख उनका भर ही जाएगा उनका पेट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा आंतों में वैसे ही इन्फेक्शन हो जाना कॉस्टिपेशन होने शुरू हो जाएंगे एंड कप वगैरह होना भी शुरू हो जाएगा जिससे बच्चों की भूख जो होती है ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाती है अब एक कुरुरा अगर बच्चा खा रहा है सपोज करिए पाँच साल का बच्चा है तो उसका पेट उतना ही होगा ना एक कुरकुरे से उसका पेट जो होगा वो बढ़ जाएगा आगे आपका खाना भी कैसे कंज्यूम कर पाएगा और अगर कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि एसिडिटी हो जाएगी क्योंकि आजकल के बच्चों में एक तरह ये चीज़ देखने को मिल ही रहा है उनको पेट में दर्द होना महसूस होना ये बहुत ज़्यादा उल्टी का मन जो होता है बन जाता है सो so, ऐसी कंडीशन में यूज किए जा सकते हैं साइपोन सिरप बेसिकली इसमें इनगिनियस होते हैं आपको साइप्रोहेप्टाडिन साइप्रोहेप्टाडिन एक बेसिकली एंटी एस्टाम होता है लेकिन ये के लिए यूज किए जा सकते हैं जैसे भूख बढ़ाने में काम करता है दूसरा इसमें आ जाता है आपका ट्राइकोलिन ट्राइकोलिन साइट्रेट बेसिकली ये क्या है बाइल्स एसिड एजेंट होता है जो बाइल्स होते हैं हमारे उसमें एसिड को रिफ्लेक्ट कर देता है यानी रिमूव करने में मदद है जिससे आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता तीसरे इसमें आ जाता है सोरविटॉल्स कब्ज e या आंतों के इन्फेक्शन को रिमूव करने में मदद कर देता है यानी उनका पेट को सही रख देता है पेट को साफ करने में मदद कर देता है बच्चे के साथ ही साथ इसमें साइपर जो होता है मेनली होता है अब ये ऐसे तो एंटी एस्टामाइन होता है जो एलर्जी वगैरह को रिएक्शन काम करने में मदद करता है लेकिन एक इसका साइड इफेक्ट होता है जो भूख बढ़ाने में काम करता है तो यहीं पर इसका एक पॉजिटिव साइन होता है तो ये भूख को बढ़ाने में मदद कर देता है जिससे बच्चे की भूख अच्छे से बढ़ती है खाना ज़्यादा खा लेना शुरू कर देता है अनवेज वजन वगैरह भी बच्चे का बढ़ना शुरू हो जाता है साथ ही साथ बच्चे को अगर कमजोरी हो रही है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेट साफ नहीं होता है तो इसमें ट्राइकुलिन के साथ साथ आपको सोलविटोल भी दिया जाता है जो कि एक रिलैक्सटिव की तरह काम करता है जो आपके आंतों को साफ रखता है एंड पेट के साफ़ करने में मददगार साबित बहुत अच्छे से कारगर साबित होता है अब बच्चों में जो डोज होता है इसका दिया जा सकता है अलग अलग डोज अलग अलग होती है दो से छः साल के बच्चों में इसको दिया जा सकता है ढाई से तीन एम तक या पाँच एम तक इसको सुबह शाम दिया जा सकता है दूसरी बात करें सात से चौदह साल के एम को तो उसको दस एम सुबह शाम दिया जा सकता है एंड उससे वो है तो उसको टेन एम दिन में तीन बार तक बच्चों में दिया जा सकता है ये बच्चे की भूख बढ़ाता ही बढ़ाता है, बढ़ाता है साल साथ साथ एसिडिटी को दूर करने में मदद कर देता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है जो बच्चे भूख वगैरह नहीं खा पाते हैं कमजोर हो जाते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट साइपोन जो होता है वो दिया जाता है सिरप की फॉर्म में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे मुंह में ड्राइनेस होना या सुस्ती आना या नींद आना जैसे कंडीशन हो सकती है अब क्योंकि जैसे मैंने बताया साइब्रो होता है जो एंटी एस्टामाइन होता है जो इस प्रकार से एंटी एलर्जिक की तरह ही वर्कफुल होता है तो थोड़ा बहुत सुस्ती वगैरह आना जो होता है वो हो सकता है ओवरडोज ना लें एंड डॉक्टर की सहायता से बच्चों को इस सिरप का यूज़ आप करवा सकते हैं इस सिरप की कीमत एक सौ का जो आपको मेडिकल से मिल जाएगा दो सौ का क्वान्टिटी में देखने को मिल जाता है सो गाइज़ अगर आपके बच्चे भी भूख नहीं बढ़ाते हैं खाना नहीं खा पाते हैं अच्छे से या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी साथ में रहता है तो उसके लिए साइपोन सिरप वन ऑफ द बेस्ट होता है एंड डॉक्टर की सहायता से आपको इसका लेना चाहिए एंड कब तक यूज करना चाहिए वो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है सो उम्मीद करूंगा आज का अच्छा वीडियो आपको पसंद आया आयुन वीडियो अच्छा लगा सो लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर जरूर करें कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत